ठीक है, सुन रहे हो यहां पे? अच्छा चलो ठीक है, बच्चे आज का जो हमारा केस लॉ का सेशन है, इसके अंदर आपको याद होगा मैंने लास्ट केस पढ़ा था, और उस लास्ट केस के अंदर एक टेंडर वाली सिचुएशन आई, और टेंडर वाली सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसी बात निकल आई थी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एज टू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो टेंडर का स्वरूप क्या है। जैसे मैं जॉन के फर्स्ट में सीखा कि कोई भी टेंडर के अंदर कोई पर्टिकुलर डिमांड रखी हुई है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोई भी चीज चाहिए, जैसे जेनरी चाहिए होती, तो 40,000 मॉन्स का टोटल ऑर्डर था, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इट अ सिंगल कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। टेंडर में ऐसा बड़ा खेल होता है, खेल होने की वजह क्या है? क्योंकि देखो टेंडर खासकर गवर्नमेंट निकाल दिया, इट इज ऑफ ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी, और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ तो कई बार जो वन साइडेड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा काम दे रही है किसी को, तो अपने टर्म्स पे चीजों को चलाने की कोशिश करेगी, बट दिस डजंट मीन कि लॉ नहीं अप्लाई होगा, लॉ वैसे ही अप्लाई होगा, बस हमको हमेशा ये कोशिश करनी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आ रहा है, हमको उसको सही कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना है, दैट इज व्हाट वी डू लाइक इन दैट ग्रुप, तब हम सही कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करेंगे, तब हम उसका सही तरीके से एनालिसिस करेंगे, और सही कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करेंगे, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तब जो फैक्ट्स फैक्ट्स समझने पूरा तब बात नहीं है। तो देखो आज के कुछ केसेस में कुछ बहुत ध्यान से, एक लाइन होती है, कभी-कभी एक शब्द होता है जो पूरे उस केस का मतलब रास्ता ही बदल देता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता है, आपको बस उसको पकड़ना सीखना है। जैसे ये वाला जो मैं आपको केस लिखाया हूं, अच्छा पढ़ा होगा, इसका नाम है राजेंद्र कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1972 केस, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। यहां पे देखा, यहां पे डेटा सिचुएशन, यहां पे टेंडर निकाला जाता है, और टेंडर तीनों तीनों पता करके वो आपने देखा ना, वो स्मोक करते हैं, बीड़ी वाला, वो बीड़ी होती है छोटी सी मिनी सिगरेट टाइप की होती है, तो उसके बारे में उसकी लीज होती है, उसके बाद उसके बारे में टेंडर है, पता करके फैक्ट्स हमारी जो पिटीशन है, इसने भी टेंडर भरा और उसने रेट साइड किया 800 रुपए 25 एक थैली के अमाउंट से, ठीक है, और उसने इसके बाद टेंडर से सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा लेते हैं, तो जैकी जो बना ऑफर दिया सीरियस है, अगर भाई टेंडर ऐसा होता है वो खा जाए, प्रोसेस खराब हो जाएगा, तो फॉर दैट रीजन हर टेंडर में पार्टिसिपेट करता है उसे इससे सिक्योरिटी लेते हैं, तो ये बता सकते हैं टेंडर ऑफर दिया है 800 रुपए 25 का और सिक्योरिटी दिया। टेंडर बच्चे खुला रहे थे 9 अप्रैल 1969 को, मैं आपको बताता हूं टेंडर क्या होती है। देखो बच्चे, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है टेंडर के बारे में, फलानी अथॉरिटी फलानी ऑर्गेनाइजेशन कोई टेंडर निकाल रही है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आएगा, अलग अलग सोर्सेस से जानकारी होती है, उसमें पर्टिकुलर डेटा होती है कि किस डेडलाइन तक आपको अपने टेंडर जमा कराना है, टेंडर मतलब कुछ नहीं है, बस वो टर्म्स जो आप चाहते हो, जिस टर्म्स के ऊपर आप उस अथॉरिटी से कांटेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल टेंडर है किसी, फॉर एग्जांपल कोई सही, तो आप कितने प्राइस में बेस्ट 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 देते हो, तो उसको आपने टेंडर में लेकर डिपॉजिट कर दो, ऑफर 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 ऑ
अच्छा पैसा कमाता था, अगर वो जीवित रहता तो उन्हें पैसा कमाता, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर्टिकुलर अमाउंट को कैलकुलेट करके मांगा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अलावा, इसका वर्तमान के बारे में नेगेटिव है।
कि अगर किसी भी पैसेंजर को या किसी भी सामान को कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो उसके लिए एयरलाइन जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होगी। वो पर्सनली लायबल नहीं होगी, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अपने आप को एग्जेम्प्ट कर रखा है, एग्जेम्प्शन क्लॉज डाल रखा है। ये द कैरियर शैल बी अंडर नो लायबिलिटी व्हाटसोएवर टू द पैसेंजर इज ऑल आरडीएस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और डिपेंडेंट्स फॉर द रिस्पेक्टिव फॉर डेथ और इंजरी। तो किसी पैसेंजर की मृत्यु हो जाती है, इसको इंजरी पॉलिसी है, तो कंपनी किसी भी तौर से लायबल नहीं होगी। तो उसने भी अपना डिफेंस बना लिया कंपनी ने भी। तो इन सबके बीच में इशू एक ही उठा और इशू ये है कि ये एग्जेम्प्शन क्लॉज इस पर रिलाई कर रही है अथॉरिटी। क्या हम इसको वैलिड मान सकते हैं? यानी मतलब कोई भी एयरलाइन ये जिम्मेदारी से हाथ खींच सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं होगी कल को अगर किसी की वजह से मृत्यु हो जाती है, इंजरी हो जाती है। क्या ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर्ड है और दूसरा भी नेगेटिव सिनेरियो पर हम कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पर ज्यादा फोकस करेंगे कि पहली बात कोटे का जहां तक लॉस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो लॉस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज होती हैं वो फ्री होती हैं अपने बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे एयरलाइन है या कोई किसी अथॉरिटी होती है जिसका बड़े बेसिस पे कई सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं। हर व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, इसमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी के हिसाब से कार्रवाई का काम चलता है। बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो हर एक मैसेज के साथ हो रहा है, किसी के साथ जो भी एयरलाइन ट्रैवल कर रहा है, और अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से इन कंडीशंस को जाते हुए उस एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई खराबी नहीं। फ्री पार्टीज लिबर्टी में है, इसके साथ कंडीशन तो लीगल तो है। ये कह रहा है कि हम लायबल नहीं होंगे, लीगल काम करता है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसका कोई मायने नहीं है, बस ये है कि दूसरी पार्टी का दरवाजे में कोई पैसे मांगने आता है कि माता का चलाता है, अगर वो कितना ही बता रहा है कि माता का
you have to maintain a very clear line.